गाइस एंड वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। एन एस सीरीज का एपिसोड 5 होने वाला है। एंड जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले वाले एपिसोड में मैंने अपने डायमंड के आर्मर को फुल मैक्स एंचेंट किया था, बट आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं अपने डायमंड के आर्मर को नेदरराइट के आर्मर में कन्वर्ट करने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ डिफीट करने वाला हूँ एंडर ड्रैगन को। एंड जाने वाला हूँ एन सिटी में, एंड वहां से मैं इलाइट्रा को लाने वाला हूँ, जिससे मेरे लिए इस वर्ल्ड में ट्रेवल करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो अभी हम बिना किसी देर के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो का लाइक गोल रख लेते हैं जो कि पूरे 100 लाइक का। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम डिफीट करने वाले हैं एंडर ड्रैगन को, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा ब्लेज रॉय, जो कि मैं पिछले वाले एपिसोड में कलेक्ट करके लाया था। तो अभी हम जल्दी से चल जाते हैं नेदर के अंदर एंडर पल को कलेक्ट करने के लिए। तो अभी मैं नेदर से बहुत सारी पॉल्स को कलेक्ट करके ला चुका हूँ। एंड अभी मैंने यही कहीं पे थोड़ी बहुत ब्लेज रॉय रखी होगी, तो इसको मैं ले लेता हूँ। एंड इसको कन्वर्ट करता हूँ मैं ब्लेज पाउडर के अंदर, जिससे मैं बना सकता हूँ अपने लिए आई ऑफ एंडर को। तो यहाँ से मैंने बहुत सारी आई ऑफ एंडर को क्राफ्ट कर लिया है। एंड अभी हम जल्दी से इसको फेंकते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड होने वाला है। तो जल्दी से इसको यहाँ पे मैंने थ्रो कर दिया और इस वाली साइड को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड होने वाला है। तो अभी मैं जल्दी से आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जाके ही मिलता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं ओशन के अंदर आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे फिर से एक बार थ्रो करते हैं। एंड मैं लिटरली अपने हाउस से 1000 से भी ज़्यादा ब्लॉक्स दूर आ चुका हूँ। ओके, ये अभी पीछे की ओर जा रही है, तो शायद से ओशन के नीचे ही होने वाला है अपना स्ट्रॉन्ग होल। तो जल्दी से यहाँ से चलते हैं नीचे की ओर। तो ओके गाइस, मैं स्ट्रॉन्ग होल के अंदर आ चुका हूँ। एंड अभी हम जल्दी से चलते हैं यहाँ से बाहर। एंड यहाँ पे लाइब्रेरी दिख रही है, तो जैसे मैं जल्दी से बुक सेल्फ को ले लेता हूँ, जिससे बहुत सारी बुक मिल जाएगी। तो यहाँ पे चेस्ट में से मुझे आई आर्मर 3 मिल चुकी थी। एंड सेकंड लाइब्रेरी में भी मुझे ना यहाँ पे एक और आर्मर 3 मिल चुकी थी। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे एंड पोर्टल भी मिल चुका था। तो अभी हम जल्दी से इसको एक्टिवेट कर लेते, पहले इसको तोड़ देते हैं। एंड अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही लगी हुई थी, तो मैं बाकी साथ सबको लगा देता हूँ। एंड नो, यहाँ पे मेरी एक वेस्ट हो चुकी है, कोई नहीं मेरे पास। यहाँ पे थ्री बोर्ड पल्स भी एंड ब्लेज रॉय भी मैं लेके आया हूँ। तो जल्दी से ऐसे बना लेते हैं आई ऑफ एंडर को, लेट्स गो। एंड अभी मैं इसको लगा देता हूँ। मैंने एक एक्स्ट्रा बनाया जिससे मैं अपने लिए एक एंडर चेज भी बना सकता हूँ। ओके, फाइनली अभी एक्टिवेट हो चुका है। एंड लेट्स गो। ओके, तो अभी मैं एंड में आ चुका हूँ। तो अभी हम जल्दी से डिफीट करते हैं एंडर ड्रैगन को। एंड अभी यहाँ पे लास्ट शॉट भी लगता हुआ, एंड फाइनली मैंने एंड ड्रैगन को यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। एंड को मैंने फ्री कर दिया है। एंड इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ इसको। ओके गाइस, फाइनली मैंने यहाँ पे ड्रैगन को डिफीट कर दिया है। एंड अभी इससे मुझे बहुत सारे एक्स मिलेगी। एंड अभी मैं जल्दी से अपने टूल्स को भी रिपेयर कर लेता हूँ इससे। एंड यहाँ पर मैं रख लेता हूँ एक्स, एंड एक्स भी अपनी रिपेयर हो चुकी है। लेट्स गो, सारी की सारी एक्सपी को अभी हम कलेक्ट करते हैं एंड देखते हैं कितनी एक्सपी अपनी होती है। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं एक एंड सीरी को फाइंड करने के लिए। लेट्स गो, यहाँ से पल करते हैं। भाई साहब, मतलब कि लिटरली मैं यहाँ पे सिर्फ मुझे मतलब कि गेटवे पोर्टल से निकला और सीधा एंड सिटी के अंदर। ओ भाई साहब, आप देखते हैं यहाँ पे गेटवे पोर्टल है एंड यहाँ पे एक एयरशिप भी है, इसका मतलब इलाइड्रा। ओ भाई साहब, मतलब कि मेरा लक में क्या है तो बोलूँ यार। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं एयरशिप के अंदर, यानी इस सल्कर को पहले मैं मार देता हूँ यहाँ से। ओके, ये कहीं और टेलीपोर्ट हो चुका है। लेट्स गो एरा, इसको खत्म करते हैं। एंड अभी हम जल्दी से चलते हैं अपने इलाइड्रा को लेने के लिए। ओके, यहाँ पे एक और सल्कर है, इसको भाई ख़त्म कर दो भाई। जब मर रहा, ओके मर गया। एंड इस चेस्ट में मुझे टोटल 7 डायमंड्स मिले। ओ भाई साहब, आई मतलब कि नसीब हो तो मेरे जैसा यार। यहाँ पे गोल्ड भी है एंड मेन अपना इलाइट यार। इन्वेंटरी में क्या फेंको यार, चलो एंड्रॉयल को फेंक देता हूँ यहाँ पे, इसको फेंक दो। एंड फाइनली गाइस, मुझे यहाँ पे इलाइट्रा मिल चुका है, लेट्स गो। एंड यहाँ से ड्रैगन हेड को भी हम कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ड्रैगन हेड भी अपने पास आ चुका है। एंड अभी हम जल्दी से गेट पोर्टल से अपने घर पे चले जाते हैं। लेट्स गो, यहाँ पे एंड आइडल पे मैं आ चुका हूँ। एंड अभी हम जल्दी से चलते हैं अपने हाउस पे, बट मैं यहाँ पे एंडर मैन से फाइट कर रहा था, तो मैं ड्रैगन का एग लेना भूल ही गया था यहाँ पे, मतलब कि मेरे दिमाग से यहाँ पे निकल गया और एंड मैं सीधा अंदर चला गया था।
बट कोई नहीं, मैं बाद में कभी भी कलेक्ट कर लूँगा। एंड ओके फाइनली गाइस, यहाँ पे अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है, जो कि था एंडर ड्रैगन को मार के एनसीडी से इलाइड्रा को लाना। एंड अभी इसके लिए मुझे चाहिए होंगे रॉकेट्स, तो मैं जल्दी से थोड़ी बहुत यहाँ से गन पाउडर ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे सुगर केन भी रखा हुआ है, तो इससे मैं जल्दी से क्राफ्ट कर लेता हूँ अपने रॉकेट को। एंड या अरे ब्रो ऐसे नहीं बनता, यहाँ पे मैं पेपर बनाता हूँ। एंड ऐसे साइड से नहीं, ऐसे नहीं यार, मुझे गन पाउडर ज़्यादा चाहिए होगा। ओके यहाँ पे मैंने रॉकेट बना लिए। एंड अभी हम फर्स्ट बार यहाँ से फ्लाई करने वाले हैं। एंड लेट्स गो गाइस, भाई कितना मज़ा आ रहा है यार। पहले तो ट्रैवल करना कितना ज़रा हार्ड था, और इलाइट्रा के साथ तो मतलब कि एकदम मतलब छोटा लग रहा है मुझे अभी भाई। अब भाई कितनी जल्दी मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जा पा रहा हूँ। एंड ये रहा अपना एक्सी फार्म, जहाँ से मैंने बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट कर दी थी। एंड यहाँ पे ना बहुत सारा गंबर मुझे मिल जाएगा, क्योंकि है ना मैंने यहाँ पे ओनली क्रीपर का बनाया था। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे गन पाउडर मिल चुके हैं मुझे, तो बस मुझे इससे ना रॉकेट को क्राफ्ट करना है। एंड लेट्स गो, आज की बहुत मज़ा आता है इलाइड्रा को यूज़ करना, इसलिए मैं यहाँ पे सर्वाइवल वर्ल्ड ज़्यादा खेल रहा हूँ अभी। लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं अपने हाउस पे वापस एंड बहुत सारे रॉकेट को क्राफ्ट कर लेते हैं। लेट्स गो, जल्दी से यहाँ पे रखते हैं पेपर। एंड यहाँ पे फ्लाइट ड्यूरेशन 3 के रॉकेट में बताऊंगा इस बार, क्योंकि ये शायद से ज़्यादा चलते हैं। लेट्स गो, इसको भी चलाते हैं। एंड ओ भाई साहब, भाई इससे मतलब कि ज़्यादा दूर तक हम ट्रेवल कर सकते हैं कम रॉकेट्स में भी। एंड यहाँ से जल्दी चलते हैं वापस। यप, सेफ लैंडिंग डन। एंड अभी अपना सेकंड टास्क होने वाला है अपने आर्मर को नेदरराइट के अंदर कन्वर्ट करना, जिसके लिए मुझे चाहिए होगी बहुत सारे एंशिएंट एवरेज। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे बेल भी रखे हुए हैं, जिसे मैं नेदर में इजीली ब्लास्ट करके ना नेदरराइट को माइन कर सकता हूँ। तो अभी हम जल्दी चलते हैं नेदर में माइनिंग के लिए। तो ओके फाइनली गाइस, यहाँ पे मैंने ना बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस को कलेक्ट किया है। एंड अभी यहाँ पे मुझे एक बेस्टियन भी मिल चुका है, तो जिसके अंदर से ना मुझे चाहिए होगा एक अपग्रेड ट्रिम, जिससे ना मैं अपने आर्मर को नेदरराइट में कन्वर्ट कर सकूँ। तो यहाँ पे जल्दी से मैं देख लेता हूँ कहीं पे चेस्ट रखे हुए, तो पहले को भाई यूज़ करना थोड़ा हार्ड है। और यहाँ पे बहुत सारे पिगलिन एंड पिगलिन ब्रूड भी है, तो जल्दी से इनको ख़त्म करते हैं। आप देख सकते हो नीचे कितने सारे कलेक्ट हो चुके हैं यार, इन सबको मैं जल्दी से मार देता हूँ, ऐसे ख़त्म कर देता हूँ। ओ भाई भाई इनको मारने में अलग ही मजा आता है। एंड ओके, शायद से सारे ख़त्म हो चुके हैं, अभी हम जल्दी से चलते हैं यहाँ से अंदर। एंड यहाँ पे नॉर्मल पिगलिन है, तो इनको मैं मार देता हूँ जल्दी से। और ये भी मुझे मारता है, इसको जल्दी से ख़त्म करो। ओ नो, मेरी हेल्थ, वेट, मैं हाफ हर्ट पे बचा हूँ। हो भाई साहब, भाई इलाइड्रा नहीं होता तो क्या यार, शायद से मैं मर जाता है यहाँ पे। इलाइड्रा को थोड़ा बहुत रीजन करते हैं एंड वापस चलते हैं। ओके यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत कवर कर लेता हूँ खुद को पहले। एंड इन दोनों को मैं जल्दी से एरो से ख़त्म कर देता हूँ। एरो का यही फायदा, मतलब कि वो का यही फ़ायदा होता है कि हम दूर से किसी को भी मार सकते हैं। ओ भाई कितने सारे आ चुके हैं यहाँ पे, वेट इसको भी ख़त्म करता है, ये भी साला क्रॉसबो से बहुत मार रहा है। एंड इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। ओके ये कौन मार रहा है, वेट भाई पीछे से आ गया, डरा दिया था मुझे। लेट्स गो, थोड़ा बहुत रीजन करते। एंड इस वाली चेस्ट में से मुझे ट्रिम नहीं मिला, कोई नहीं। एंड यहाँ पे मेन अपनी चेस्ट रखी हुई है, तो इसमें शायद से मिलना चाहिए। एंड यहाँ पे एक एंशिएंट डेब्रिस रखा हुआ है, एंड इसके अंदर भी नहीं मिला यार। एक काम करता हूँ मैं, पहले ना इन दोनों चेस्ट को ही तोड़ देता हूँ, फिर सामान देखेंगे क्या मिला क्या नहीं मिला, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ज़्यादा। अगर पिगलिन रूट आ गए तो ख़त्म कर देंगे। एंड इस चेस्ट में भी कुछ नहीं है, और इसमें एक क्रीम मुझे मिला है लेकिन अपग्रेड क्रीम नहीं मिला। ओके यहाँ से जल्दी से चलते हैं। एंड भाई मैं कहाँ पे फंस गया, एक ब्लॉक पे पता नहीं। ओके यहाँ पे मैंने एक रास्ता देखा था, ओ मैं दो ब्लॉक के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ से नीचे चलते हैं। एंड यहाँ पे मैंने एक और चेस्ट देखी थी शायद से, यहाँ से चलते हैं नीचे। एंड वो रही अपनी चेस्ट, शायद से इसमें मिल जाए तो अच्छा है। ओके फाइनली गाइस, यहाँ मुझे अपग्रेड टेम्पलेट मिल चुका है, जिससे मैं अपने आर्मर को फाइनली अब नेदरराइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके मैं नेदर से अपग्रेड टेम्पलेट को लेके आ चुका हूँ। एंड मैंने जितने भी एंशिएंट डेब्रिस को कलेक्ट किया था ना, उन सबको मैंने स्मेल्ट करने के लिए डाल दिया। तो अभी हम जल्दी से इस अपग्रेड टेम्पलेट को है ना जल्दी से ड्यूप कर देते हैं डायमंड की हेल्प से। मेरे पास बहुत सारे डायमंड रखे हुए हैं, तो यहाँ से बन चुके हैं दो, एंड यहाँ से बन चुके हैं मेरे चार। तो मैं शायद सोच रहा हूँ 6 बना लूँ, जिससे मैं अपने आर्मर को एंड उसको भी बना सकता हूँ। एंड अभी हम जल्दी से यहाँ से ले लेते हैं नेदरराइट स्क्रैप को। लेट्स गो, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी बहुत सारा रखा हुआ है, तो इन सबको जल्दी से नेदरराइट की इंगट में कन्वर्ट कर देते हैं।
यहाँ पे आएगा गोल्ड एंड यहाँ पे आएगा अपना नेदरराइट का स्क्रैप। तो देखते हैं इससे टोटल 6 बन सकते हैं, मतलब कि मेरा आर्मर एंड एक सोर्ड एंड मेरे एक पिकेक्स को नेदरराइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जल्दी से पहले मैं अपने आर्मर को कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आएगी अपनी चेस्ट प्लेट एंड अभी मैं बाकी का आर्मर को भी जल्दी से निकाल लेता हूँ। पहले इसको पहन लेता हूँ एंड अभी आर्मर को निकाल लेता हूँ एंड अभी इसको अभी जल्दी से नेदरराइट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा अपना हेलमेट, लेगिंग्स एंड उसके बाद अपने बूट्स को एंड साथ ही साथ मैं अपनी स्वॉर्ड को भी कर देता हूँ नेदरराइट में एंड अपनी एक पिकेक्स को भी। लेट्स गो, मैं फुल्ली नेदरराइट में कन्वर्ट हो चुका हूँ एंड आज की इस वाली वीडियो का गोल भी मेरा पूरा हो चुका है। तो मेरा आर्मर भी यहाँ पे नेदरराइट में कन्वर्ट हो चुका है एंड मैंने एंडर ड्रैगन को मार के वहाँ से इलाइट्रा भी लेके आ चुका हूँ। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंड क्या मैं MLG कर सकता हूँ? लेट्स गो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो।